हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाई 2.0। इस वीडियो में हम लोग नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को टोटल पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जनरल इंग्लिश, फर्स्ट आपका है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के पांच क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस इसके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद देखते हैं थर्ड है कंप्यूटर लिटरेसी। तो कंप्यूटर के से रिलेटेड पांच क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके हो गए 25 प्लस 5 प्लस 5, तो आपके टोटल हो गया 35। एंड चौथे पार्ट में एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन एंड सर्वेइंग के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पांचवें पार्ट में जो टोटल जितने भी ब्रांच पेपर हैं उससे सब मिला के पूछे गए। पाँचवा पार्ट जो है वो है डिसिप्लिन, यानी कि जो हम लोग का ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, उस टोटल जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सब मिला के इसमें मिक्स कर दिए गए हैं। और ये टोटल है 40 मार्क्स के कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन एंड सर्वेइंग के 25 जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो ब्रांच डिसिप्लिन के जो पार्ट के जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कर्व प्रोवाइडेड टू अकम्प्लिश ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम टेंजेंट टू सर्कुलर कर्व इज टर्म एज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 1 acre इक्वल टू 100 meter square एंड 100 hectare इक्वल टू 1 kilometer square देन 1 kilometer square इक्वल टू 10 meter square। तो फ्रेंड्स, ये जो आगे में जितने भी डेटा दिए हैं ये आपको भटकाने के लिए दिए गए हैं, तो आप लोग भटकीगा नहीं। सिंपली 1 kilometer square इज इक्वल टू जितना मीटर स्क्वायर है वो चूज करके लिख दीजिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 lakh। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1956। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मीटर एंड सेंटीमीटर। ये जो है फ्रेंड मीटर एंड सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट का यूनिट है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस इन ए 20 meter चेन इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ± 5 mm। अगर फ्रेंड यहाँ पे 30 mm का रहता तो ±8 हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द शटरिंग क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर ट्रेपेजियम पोर्शन ऑफ ए स्क्वायर फुटिंग सोन इन फिगर इज। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ये दोनों फिगर दिए हुए हैं इसकी मदद से आपको इसका शटरिंग एरिया निकालना है कि कितने एरिया इसमें लगेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2 4.532 meter square। ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन ओल्ड बिल्डिंग हैज बीन परचेज्ड बाय ए पर्सन एट ए कॉस्ट ऑफ ₹30,000 एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द लैंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड एट 4% इंटरेस्ट एज्यूमिंग द फ्यूचर लाइफ ऑफ बिल्डिंग एज 20 years एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ₹907, दैट मीन ₹907.20। तो फ्रेंड इसका सोल्यूशन ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट ऑफ ए टैचोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट इज 100 एंड द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली इफ द स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए आर 1.36 1.915 एंड 2.47 रिस्पेक्टिवली एंड द मेजर्ड वर्टिकल एंगल इज 10 degree 30 minute। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड पॉइंट ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 107 meter। ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर 2 centimeter थिक डैम प्रूफ कोर्स DPC इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल बिटवीन 2 meridian एंड मैग्नेटिक मेरेडियन इज टर्म एज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 डिक्लिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू कंटूरिंग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4, द कंटूर इंटरवल डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सेटिंग आउट राइट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द स्टील रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन फॉर RCC द एडिशनल लेंथ फॉर 245 degree बेंट अप्स इन रेनफोर्सिंग बार इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 0.42 टाइम्स द लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अपर एंड लोअर आर्म ऑफ द बेंट अप बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट टू द नियरेस्ट इंटीजर्स द लेंथ ऑफ द कर्व ऑफ 15 चेन्स रेडियस विथ ए डिफ्लेक्शन एंगल 50 degree 30 minute व्हेन द लेंथ ऑफ चेन इज 20 meter। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 264 meter। ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द वेवलेंथ एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पार्शियली और होली ट्रांसमिटेड थ्रू एटमोस्फियर आर नॉन एज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एटमोस्फेरिक विंडो, जहाँ से वो पास कर जाते हैं
या फिर कुछ कुछ पास करते हैं या फिर पूरा पास करते हैं तो उसे एटमोस्फेरिक विंडो बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द एनालिटिक लेंस प्रोवाइडेड इन ए टैचोमीटर इज ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस। तो टैचोमीटर में जो लेंस लगा होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द मेथड ऑफ मेजरिंग अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय कंटूरिंग द नंबर ऑफ फेसेस, सॉरी काउंटिंग द नंबर ऑफ फेसेस बिटवीन दैम इज टर्म एज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 17। ए बिल्डिंग ऑनर रिसीव्स एन एनुअल रेंट ऑफ 1 लाख, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज 15,000, द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम इज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 17 लाख, बट यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। तो मैंने जब सॉल्यूशन इसका किया तो मेरा तो ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है इसका। ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सॉरी, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ए सिग्नल पोस्ट बिटवीन टू फोर्ट्स सिचुएटेड इन ए स्ट्रेट लाइन सीज द टॉप ऑफ बोथ द फोर्ट्स, इफ द सिग्नल पोस्ट एक्ट एज ए पॉइंट ऑफ ओरिजन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्ट्स, इफ फोर्ट ए एंड बी आर 3 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर अबव द सी लेवल रिस्पेक्टिवली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 480 किलोमीटर। ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इन डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ द कर्व्ड बाउंड्री डैश रूल इज यूज टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन रूल मोर एक्यूरेट वैल्यू देता है। क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लेन थ्रो 180 डिग्री अबाउट ट्रूनियन एक्सिस इज टर्म एज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ट्रांजिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द मिनिमम नंबर ऑफ सेटेलाइट रिक्वायर्ड फॉर प्रिसाइज पोजिशन डिटर्मिनेशन इज। तो फ्रेंड अगर किसी भी पोजिशन का अगर लोकेशन बताना है तो मिनिमम 4 सेटेलाइट लगते हैं जो कि पूरा एक्यूरेट लोकेशन बताता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22। इन परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल्स 2 पेग टेस्ट इज डन टू करेक्ट और एडजस्ट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन। फ्रेंड टू पेग टेस्ट ये जो होता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन को एडजस्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन टू कंजिक्यूटिव कंटूर इज नॉन एज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 24। ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर कनेक्ट टू पॉइंट ऑफ टेंजेंट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 0.27 आर। ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। द पर्पस ऑफ एलिडेड इन प्लान टेबल सर्वेइंग इज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 साइटिंग टू टारगेट पॉइंट। तो ये था फ्रेंड हमारा चौथा पार्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन एंड सर्वेइंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पार्ट 5 था डिसिप्लिन वाला पार्ट उसे करेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।